आज हम बनाएंगे सामी कबाब। उसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है, 200 ग्राम चने की दाल, 5-6 लाल मिर्ची हैं साबित, और 6-7 लहसुन की कलियां हैं छील ली हैं हमने, एक गंठे प्याज की है छोटी, 3 तेज पत्ते और साबुत धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब हम कुकर में थोड़ा पानी डालेंगे और उसमें कीमा डाल देंगे। मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, 1 कप और डालूँगी। दाल से डबल पानी डाला जाएगा इसके अंदर, कि दाल अच्छे से गल जाए और ज़्यादा भी ना हो, नहीं तो फिर ये थोड़ा गीला हो जाएगा ज़्यादा, तो पिसने में परेशानी होगी। और अब हम इसमें दाल डालेंगे। उसके बाद हम ये साबित मसाले सब डाल देंगे इसके अंदर। लहसुन को छील के डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें मिल जाएगा अच्छे से। वैसे साबित डालना चाहे तो साबित भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और गरम मसाला पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है, कि वो बाद में पिस नहीं पाता है कुछ तो मुँह में आता है। नमक 1 चम्मच हम डाल, अब हम इसको बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें 2-3 सीटी लेंगे। हमने इसमें 4 सीटी लगाए। अब हम इसको खोल के देखेंगे। इसकी दाल गल गई है, कीमा तो बहुत जल्दी गल गया था। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसे पीस लेंगे। ये ठंडा हो गया है और अब हम इसे पीसने जा रहे हैं। ये हमने कीमे का जो मिक्सर था पीसकर एक बाउल में निकाल लिया है। अब ये सारी चीज़ें हम मिक्सर के अंदर ऐड करेंगे। प्याज लिया है हमने, इसको बारीक चॉप कर लिया है, और हरा धनिया 1 मुट्ठी, इसको बारीक काट लिया है बारीक, और हरी मिर्ची। अब हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरा धनिया ज़्यादा डालें, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसके अंदर अंडा डालूँगी। 2 अंडे डाल रही हूँ इसके अंदर, और मैं डीप फ्राई करूँगी, इसलिए इसके अंदर मैं अंडा मिक्स कर रही हूँ। और अगर आप शेलो फ्राई करें तो अंडा इसके अंदर नहीं मिलाएं, उसको बाहर ही रहने दें, और उसमें अंडे में डिप करके फिर उसको फ्राई करें। और इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे हम बाकी कबाब फ्राई करते हैं शेलो फ्राई, वैसा कर लें, अंदर नहीं मिलाएं। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, ये रेडी है। अब हम तेल गरम होने रखेंगे तेज आंच पे। तेल हमने गरम होने रख दिया है। अब हम कबाब बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसा हाथ में ले लें, इसको गोल करें और फिर बस ये वैसा दबा दें इसे। ये तो तैयार है। मैं बस अभी 3 कबाब बनाऊंगी ये आपको दिखाने के लिए, बस बाकी के कबाब जो हैं बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे इसमें, कि वो फटाफट बन रहे हैं, उसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो भी इसमें डालें, और इसमें फेस होंगे उससे डरे नहीं। ये अंडा पड़ा हुआ है तो इसके अंदर थोड़ा फेस होगा। अब हम इसे पलट देंगे। इसमें फेस ज़्यादा हो रहा है तो वो दिख नहीं रहे। ये देखें इसका कलर अभी डार्क गोल्डन हो गया, ये रेडी है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे
इसी तरीके से हम बाकी के सेक लेंगे।